हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। सो फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप लोगों का हालचाल कैसा है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होगा। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो दोस्तों, आप लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में जरूर सुना होगा। आपने 9th क्लास में उनके बारे में कुछ न कुछ जरूर पढ़ा होगा। अगर याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उन्होंने अपार्थेड पॉलिसी के खिलाफ बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी। अब आप ये सोचेंगे कि ये अपार्थेड पॉलिसी होता क्या है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें लोगों को उनके कलर और रेस के बेसिस पे सेपरेट कर दिया जाता था और उन्हें बहुत सारी राइट्स से दूर रख दिया जाता था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें 30 सालों तक जेल में बिताना पड़ा। आप सोच सकते हैं, 30 सालों तक व्हाइट्स ने ब्लैक्स पर 2 सेंचुरी तक रूल किया। कैन यू बिलीव इट, 2 सेंचुरी यानी कि 200 सालों तक। लेकिन अंत में पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ और नेल्सन मंडेला वो इलेक्शन जीत गए। हमेशा की तरह बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। उन्होंने 400 सीट्स में 252 सीट्स जीतकर एक नया इतिहास लिख दिया और वो बन गए न्यूली फॉर्म्ड साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के सबसे बड़े ऐतिहासिक पल के बारे में बताया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल अनएंडिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैंने अपने चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो 10th मई 1994 की सुबह एक नया सवेरा लेके आया था, बिल्कुल ब्राइट एंड क्लियर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट और ऑनर देने के लिए लोग सुबह से ही आने लगे थे। दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, रिच पीपल्स, सभी लोग आ रहे थे ताकि उस इनॉग्रेशन यानी कि समारोह को रिस्पेक्ट दे सके। ये गैदरिंग अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। ये समारोह यानी कि इनॉग्रेशन एक लवली सी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने वाली थी, विच वॉज फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। पिछले कई डिकेड्स तक अंग्रेजों ने यहाँ रूल किया, लेकिन आज ये प्लेस रेनबो जैसा दिख रहा होता है क्योंकि इस सेरेमनी में बहुत से डिफरेंट लोग आए थे। डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कलर, डिफरेंट रेस के सभी लोग आए हुए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। अब हमें नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वो एक सुहावना ऑटम डे था और उनके साथ उनकी बेटी जेनानी थी। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद थाबू बेकी को फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया और लास्टली नेल्सन मंडेला का टर्न आया। उन्होंने शपथ लिया कि वो संविधान और उनके लोगों के लिए सदैव समर्पित रहेंगे और साउथ अफ्रीका के पीपल की भलाई के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। नेल्सन मंडेला
अब कहते हैं कि ये जो ह्यूमन डिजास्टर था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, ये बहुत दिनों तक चला, लेकिन अब जो सोसाइटी बनेगी वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड बनेगी, जिसको ह्यूमैनिटी को उस पे प्राउड फील होगा। जो भी कंट्रीज ने अपार्थेड के कारण साउथ अफ्रीका से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, वो अब न्यूली फॉर्म साउथ अफ्रीका से अपने रिश्ते दोबारा बना सकते हैं। अपार्थेड के अबॉलिशन से ह्यूमैनिटी की जीत हुई है, पीस की जीत हुई और ह्यूमंस के रिस्पेक्ट की जीत हुई है। अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, पहले ब्लैक्स को इलेक्शन में भाग लेने की राइट्स नहीं थे, लेकिन अब हर साउथ अफ्रीकन फ्री होंगे पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने के लिए। नेल्सन मंडेला अब कसम खाते हैं कि अब से उनके कंट्री में कोई भी पॉवर्टी नहीं होगी, ना ही किसी को उनके राइट से दूर रखा जाएगा और ना ही किसी को भी कोई भी रीजन के कारण उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जब कुछ पलों बाद हमने ऊपर की ओर देखा तो खूबसूरत सा एक दृश्य देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका के फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। ये सभी चीजें बस लॉयलिटी और पीस दिखाने का छोटा सा तरीका था कि अब साउथ अफ्रीका में कोई भी अलग नहीं है, सभी साउथ अफ्रीकन सब एक साथ हो चुके हैं। इससे कुछ देर पहले ही साउथ अफ्रीका के जनरल पुलिस ऑफिसर डिफेंस फोर्स ने एक साथ प्लेज लिया, शपथ लिया कि वो अब इस न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट के प्रति हमेशा लॉयल यानी कि वफादार रहेंगे। अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि आज जो लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे होते हैं वही लोग उन्हें कुछ दिन पहले अरेस्ट किया करते थे। कुछ देर बाद एक इम्पाला जेट आसमान में रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन स्मोक छोड़ता है और साउथ अफ्रीका के फ्लैग को दर्शाता है। इस दिन साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम गाए गए। व्हाइट्स अपना अलग नेशनल एंथम गा रहे थे और ब्लैक अपना पुराना नेशनल एंथम गा रहे थे। व्हाइट्स ना कोसू सिकलेल आई अफ्रीका गा रहे थे और ब्लैक डाई स्टेम गा रहे होते हैं। जल्दी ही ये नेशनल एंथम सभी साउथ अफ्रीकन्स के जुबान में अच्छी से याद हो जाएगा। मंडेला नाउ टेल्स अस दैट इनॉग्रेशन के दिन उन्हें उनके पास्ट की याद आ रही थी। 20th सेंचुरी में जब कुछ दिन पहले एंग्लो वॉर हुआ और व्हाइट्स ने ब्लैक पर जीत हासिल कर ली और अपना रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर दिया उनके अपने खुद के लैंड और कंट्री में, और उनके रूल्स ने ऐसा सोसाइटी का जन्म दिया जो बहुत ही ज्यादा हार्श एंड क्रूएल थे, लेकिन 20th सेंचुरी के अंत तक ये सारा रूल्स को खत्म कर दिया गया और एक नया सोसाइटी बनाई गई। और ये जो सोसाइटी बनी वो 1000 लोगों के सैक्रिफाइसेस के चलते बनी, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। वो सभी लोग मेरे जरिए यानी मंडेला के जरिए इस आजादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अपार्थेड की पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसकी चोट के निशान हमेशा रहेंगे और इसे बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग जैसे द ऑलिवर टबोज, द वॉल्टर सिस्यूलेस, द चीफ लिथ्यूलिस, द यूसुफ डडोज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोब्यूवेस का इस सब में बहुत ही बड़ा रोल था। उनके कारण ही आज साउथ अफ्रीका आजादी की सांस ले पा रही थी।
अब शायद ही ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। आज उन्हें इतना महान कहा जा रहा है क्योंकि वो उनकी ही मेहनत का फल है। अब मंडेला कहते हैं कि वैसे तो हमारी कंट्री में अबंडेंस ऑफ मिनरल्स है और डिफरेंट जेम्स है, लेकिन अच्छे से देखा जाए तो असली वेल्थ तो हमारी कंट्री के वो लोग हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के आजादी के लिए अपनी जान को गंवा दिया। मंडेला अब कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने बहुत सारी परेशानियां झेली और टॉर्चर सहा, लेकिन ये सब के बाद भी वो इंसान हिम्मत नहीं हारता। एक वीर इंसान वो नहीं होता जो कहता कि मुझे डर नहीं लगता। असली बहादुर वो होता है जो अपने डर पे विजय पाता है। जीवन में हर इंसान के दो ऑब्लिगेशन यानी कि बंधन होते हैं, पहला अपनी फैमिली के प्रति और दूसरा अपने समाज कंट्री के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में उस समय ऐसा नहीं होता था। अगर कोई इंसान ब्लैक है और उसे अच्छा जिंदगी जीने का मन कर रहा है, कोशिश करता है, तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था और सबसे अलग कर दिया जाता था। अब मंडेला कहते हैं कि स्टार्टिंग में वो अपनी फैमिली को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन जब उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो उन्हें उनके ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए रोक दिया गया। जब मंडेला का जन्म हुआ तो वो फ्री थे और कुछ भी कर सकते थे। He was free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream, free to roast melis, etc. जब तक कोई बच्चा अपने ट्राइब और अपने फादर के बनाए सारे रूल्स को मानता है, तब तक उस पे कोई भी मुसीबत नहीं आती। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि इंसान ने या गॉड ने कोई भी रूल्स बना रखे हैं। उनकी दुनिया तो केवल उनकी फैमिली तक ही सीमित रहती थी। जब मंडेला थोड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि वो फ्री नहीं है, उनपे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो नेल्सन मंडेला के अंदर में फ्रीडम की भूख जागने लगी। जब वो थोड़े और यंग हुए तब वो जोहान्सबर्ग नाम के सिटी में रहते थे और उनपे बहुत सारी मुसीबतें आने लग गई और वो तब बहुत सारी आजादी चाहने लगे जिससे वो चाहे उसे शादी कर सके, अपना अपने कमाए हुए पैसे अपने पास रख सके, अपनी एक फैमिली बसा सके। लेकिन अब नेल्सन ये रियलाइज करते हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई भी फ्री नहीं थे। इवन हिज फैमिली मेंबर्स वर नॉट फ्री। उन्होंने देखा सारे पीपल जिनके कलर ब्लैक थे उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा था। तब नेल्सन मंडेला ने ANC अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और अपने पीपल की आजादी के लिए लड़ने लग गए। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनमें कुछ भी खास क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो औरों से ज्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर के हैं, लेकिन जब उन्हें वो रियलाइज हुआ कि उनके पीपल उनके लोग फ्री नहीं थे, तब नेल्सन मंडेला अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। अब लास्ट पैरा में मंडेला कहते हैं कि व्हाइट्स को हेट्रेट से आजादी चाहिए। उनकी सोच बहुत ही छोटी थी और उन्हें इस सोच से आजादी दिलवाना जरूरी था। जो इंसान किसी की आजादी छीनता है वो खुद भी आजाद नहीं होता है। जो इंसान किसी को ऑप्रेस कर रहा है या तो ऑप्रेस हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे की आजादी को छीन लेते हैं और दोनों ह्यूमैनिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लंबा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि
आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम फेस करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Temperature rise, baby, tell me.